जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये गीत, ये भजन 8 दिन पहले मैंने लिखा और 8 दिन में भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसी पंचायत नहीं जहां पर ये गीत ना बज रहा हो। और आप सबसे निवेदन, आपका जो भी रिश्तेदार यूपी में रहता हो, अब की बार मैसेज कर देना उसको, भाई अब की बार वोट जिसको देनी है उसको देनी है जो गाय नहीं खाता। जितने रिश्तेदार हैं, देखिए हमारे हरियाणा का छोरा नीरज चोपड़ा पानीपत का है, भाला फेंका तो सारे देश के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने उन्हें बधाई दी। क्यों? काम अच्छा किया। किस क्षेत्र में? स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। मैं धर्म के मंच पे खड़ा हूं, अगर मेरे राम के लिए किसी ने अच्छा काम किया है तो चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, मुझे नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं भाजपा कांग्रेस का नहीं हूं, मैं सनातनी हूं, जो राम के लिए काम करेगा। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी काम किया होता तो मैं उनका भी नाम लेता, लेकिन जिसने कर दिया उसका नाम लिया जाएगा। इतने बेशुक्रे नहीं है हम, या तो सतयुग में राम का राज्य अभिषेक हुआ था या कोई अभी आया है जिसने राम का राज्य अभिषेक किया है, या तो तब काशी सजी थी या फिर काशी अब सजी है साहब। तो जिसने कर दिया उसके लिए कहने में हमें क्या तकलीफ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये देखो ये छोटा सा बच्चा भी 2 साल का नहीं होगा लेकिन आज इसके अंदर राम के नाम की ताकत आ गई, तो जब ये 18 साल का होगा ना तो पहले पहचान लेगा ये राम का है मेरे काम का है साहब। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम। पक्की बात है, पक्की बात है, दोनों हाथ उठाओ। आया भी आया, और